मित्रों आज मैं ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में बताने जा रहा हूं। उसके लिए पूरे वृत्तांत बताऊंगा आपको। सूर्य ग्रह जो कि ग्रहों के राजा कहलाते हैं और यह सर्वोच्चम ग्रह होते हैं, और इन ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई पहले तो ये सुनिए। कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति, जिनके 12 पुत्र हुए थे, उन 12 पुत्रों में सबसे बड़े जो पुत्र थे उनका नाम था आदित्य, जिसका नाम है सूर्य, जो सूर्य देव भगवान है। आज 33 करोड़ देव देवताओं के अंदर जो 12 देव हैं, वह माता अदिति के पुत्र, सबसे प्रथम पुत्र जो है वह सूर्य देव हैं। 12 पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र यही थे। आज मैं सूर्य के रत्न जो माणक के बारे में बताने जा रहा हूं कि लोग बाग हमारे से बहुत पूछते हैं कि सर माणक किसे पहनना चाहिए, किसे नहीं पहनना चाहिए, किस लग्न वालों के लिए पहनना श्रेष्ठ होता है, किस राशि वालों के लिए श्रेष्ठ होता है, वह मैं बताने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि माणक 3 माइंस का आता है। सबसे पहला जो माइंस है वह माणक है बर्मा का माणक, जो कि आपके सामने ये रखे हुए हैं, ये बर्मा के माणक है। देखिए नेचुरल बर्मा आप देख पा रहे होंगे शायद, ये बहुत ही अच्छा कलर होता है इसका, बहुत ही अनार के दाने का जैसा कलर होता है, जिसे पिजन रेड बोलते हैं। एक ये माणक होता है। दूसरा माणक जो होता है ये इंडियन माइंस का माणक है, जो आप ये देख पा रहे हैं, ये दूसरा माणक होता है, इंडियन माइंस का माणक है, जो ये गहरा लाल होता है, ट्रांसपेरेंसी कम होती है। तीसरा माणक जो होता है ये मोजाम्बिक, ये जो देख पा रहे हैं आप, ये मोजाम्बिक माणक है। इसके अलावा और भी होते हैं जो माणक है, ये बैंकॉक का माणक देख पा रहे हैं कितना चमकीला ये अच्छा लग रहा है, पर ये ग्लास व्हील और हीटेड माणक होते हैं। ये माणक की खूबियां हैं, ये माणक की क्वालिटी है जो मैंने बताया है। बर्मा है, मोजाम्बिक है, इंडियन माइंस है और बैंकॉक माइंस है। आप हमारे यहाँ पीएमके के प्रतिष्ठान पे सब तरह के माणक अवेलेबल होते हैं। आप हमारे जयपुर के अंदर जौहरी बाजार पीएमके के जेम्स के यहाँ पर आए और आपको हम पूरी गुणवत्ता वाला, उचित कोटि का, अच्छी क्वालिटी वाला और जांचा परखा माणक आपके हमारे यहाँ पर अवेलेबल होगा विद सर्टिफिकेट। ये आप ये देखिए, छोटे से लेके बड़े माणक तक का हम आपको सर्टिफिकेट अवेलेबल कराएंगे। अब आप प्रश्न आता है कि माणक किसे पहनना चाहिए। मेष लग्न वाले, सिंह लग्न वाले और धनु लग्न वालों के लिए श्रेष्ठ कर होता है माणक, क्योंकि सूर्य की एक ही राशि होती है, वह है सिंह राशि, जिसको स्थिर लग्न भी बोलते हैं शास्त्रोक्त के अंदर। यह माणक क्या काम करता है, माणक देखो देवताओं का राजा होता है। माणक मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि वालों के लिए विशेषकर फलदायी होता है। कभी कभार हम कहते हैं कर्क राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले भी पहन सकते हैं, पर मैं ये कहूंगा कि कुंडली का विश्लेषण करने के पश्चात ही आप इसे धारण करें, क्योंकि यदि सूर्य की अनुकूल स्थिति हो और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तभी इसी रत्न को धारण करना चाहिए, नहीं तो ये कई बार दुष्प्रभाव भी दे देते हैं, पर कुंडली के विश्लेषण के बाद में। अब बात करते हैं कि माणक किस अंगली में धारण करना चाहिए और किस धातु के अंदर धारण करना चाहिए। अनेक में यूट्यूब पे देखता हूं, अनेक ज्योतिषाचार्य अनेक लेक्चर देते हुए बताते हैं, बहुत कुछ गलतियां बताते हैं। आज मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि माणक किस अंगुली में धारण करते हैं। देखिए अनामिका अंगुली, जो अपन जिसको इंग्लिश में रिंग फिंगर बोलते हैं, आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये अनामिका अंगुली है। इस अंगुली में माणक धारण किया जाता है। माणक को सबसे बढ़िया प्रभावशाली बनाने के लिए स्वर्ण धातु बहुत अच्छा होता है, पर माणक बहुत महंगा आता है, इस कारण लोग बाग अपना पॉकेट के हिसाब से वहन नहीं कर पाते हैं इसका खर्चा, इसलिए हम उनको बता देते हैं कि आप तांबे में भी धारण कर सकते हो। तो तांबे में और सोने में धारण करना अनामिका अंगुली, जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, लिटिल फिंगर की पास वाली अंगुली के अंदर इसे धारण करना चाहिए। अब यह कितने दिन में असर दिखाता है, देखिए साहब आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूं कि कोई भी रत्न होता है उसके लिए पेशेंस जरूरी होता है, पर मैं कहता हूं यदि आप उच्च गुणवत्ता वाले और उच्च कोटि का माणक यदि खरीदेंगे तो आपको विदिन 7 से 17 दिन में यह असर बता देगा। आपको निश्चित रहे, आप पर आपको कुंडली का विश्लेषण करवाने के पश्चात ही आप इसे धारण करें,
क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनका मकर लगन कुंभ लगन है वो माणक पहन लेते हैं और माणक के साथ में कई नीलम भी धारण कर लेते हैं, कई आप बहुत रोड के अंदर बहुत रोड पे बैठे हुए झोला छाप पंडित लोग हैं जो अनेक चीजें बता देते हैं। पर आपको एक चीज बता दूं, कभी भी ये इस रत्न के साथ में कोई गलत रत्न जैसे नीलम हुआ, गोमेद हुआ, लहसुनिया हुआ या ओपल हुआ ऐसी चीजें धारण नहीं करें, क्योंकि ऐसी चीजें धारण करते हैं तो यह नुकसानदेह होता है। जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि पंडित जी आप ये बताइए कि मेरी कुंडली के अंदर या किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर हम कैसे देखें कि सूर्य का रत्न जो माणक है वह पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं, क्या हमारी कुंडली में कैसे शुभ प्रभाव पता पड़ेगा। देखिए कुंडली के अंदर लग्नाधिपति यदि आपकी सिंह राशि है, लग्नेश आप सिंह राशि के हैं, आपके लिए माणक उत्तमकारी होता है। चतुर्थ भाव में माणक उत्तमकारी होता है। आपको बताऊं सातवें भाव में उत्तमकारी होता है पर लग्न को देखने के बाद में कि लग्न कौन सा है, तभी सप्तमेश। वैसे सप्तमेश जो होता है पति पत्नी गृहस्थी का घर, प्यार रोमांस का घर होता है और यही एक मारक घर भी होता है। और दूसरी बात अब आप देखिए नवम भाव भाग्य भाव में यदि आपके सिंह राशि या सूर्य बैठा हुआ है तो अति उत्तमकारी है, और आपके दशम भाव में और एकादश भाव में यदि सूर्य की राशि है, सूर्य बैठा हुआ है, शुभ दृष्टि ग्रह की पड़ रही है तो अति उत्तमकारी होता है। अब ये कितने दिन में असर बताता है ये भी पूछते हैं साथ में कि देखिए माणक पहनते हैं तो आपकी सबसे पहले तो इसकी हार्डनेस पे आते हैं कि विश्व के अंदर जितने भी पत्थर हैं सबसे हार्ड स्टोन होता है हीरा, हीरे की 10 हार्डनेस होती है, उसके बाद में दूसरा नंबर माणक का आता है, माणक की हार्डनेस 9 होती है। इसलिए इस रत्न को कभी भी पहनते हैं सोच समझ के धारण करना चाहिए। अब तीसरा ये पूछते हैं कितने दिन में असर दिखाता है, ये आराम से 7 से 17 दिन में पूर्ण असर बता देता है यदि दशा के अनुकूल और कुंडली के अनुकूल और ग्रह और प्रतिकूल ग्रह यदि दृष्टि पड़ रही है इसके ऊपर उसके अनुसार देखने के बाद ही इसे धारण करना चाहिए। क्रूर ग्रहों की दृष्टि इसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। सूर्य आपको नीच राशि में नहीं हो यह भी ध्यान रखना पड़ता है, और इस सब चीजों को ध्यान रखने के बाद भी हम कैलकुलेशन निकाल के बताते हैं कि 6 से 7 से 17 दिन के अंदर इस रत्न का इंसान के ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि ये बताइए पंडित जी कि ये रत्न से लाभ क्या होता है। देखिए जो आदमी बिजली का काम कर रहा है, बिजली के सामान का काम कर रहा है, कोई अग्नि फायर्स की कोई इक्विपमेंट बेचता है वह काम कर रहा है, और कोई यदि आपको बताऊं कि लाल दलहन का काम कर रहा है तो उसके लिए ये बहुत श्रेयस्कर होता है। माणक जो है आपको पद प्रतिष्ठा सरकारी मान सम्मान दिलाने के अंदर, सरकारी नौकरी लगाने के अंदर, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर सर्विस कर रहे हैं, यदि आप इकोनॉमी कंडीशन वीक है, यदि आपका माणक यदि गलत सूर्य यदि गलत जगह गलत दिशा के अंदर बैठा है तो यदि इसको प्रबल कर यदि इसके ऊपर कोई खराब ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो इसे धारण करने पर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी हो जाती है। कितने लोग पूछते हैं कि मेरी कुंडली में राजयोग है, नहीं है। राजयोग सूर्य से, मंगल से, राहु से, इन सब चीजों से और गुरु बृहस्पति की पोजिशन देखने के बाद में यदि केंद्र में अच्छी पोजिशन है तो आप निश्चित मानिए उसके राजयोग लिखा हुआ रहता है कुंडली के अंदर। यदि आप राजनेता बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे पद प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, बहुत न्यायाधी पद के ऊपर जाना चाहते हैं, कोई RS IS और या RJS का एग्जाम दे रहे हैं उसके अंदर आपको मैं बताऊं यह माणक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। उसको इंसान को माणक पहनना चाहिए पर कुंडली के विश्लेषण के बाद ही पहनना चाहिए, क्योंकि केंद्र में यदि अच्छी पोजिशन पे ये ग्रह है, 2-3-4 ग्रह जो मैंने नाम बताए हैं, बृहस्पति है, सूर्य है, राहु है और यहाँ पर आपको बताऊं गुरु मंगल की पोजीशन यदि आपकी अच्छी है तो इस
रत्न, ये रत्न जो है आपको बखूबी, इसके अंदर सूर्य रत्न जो होता है वह बखूबी सबसे ज्यादा काम करता है, सरकारी पद प्रतिष्ठा दिलाता है, आपको राजनेता बनाता है, एक आपको अच्छी पोस्ट पे लेके जाता है, इकोनॉमी कंडीशन बढ़िया करता है, यहां तक कि कई बार विवाह में बाधा आ रही होती है तो उसे भी दूर करने में ये मानक बहुत अच्छा काम करता है। आप मानक कभी भी खरीदें, अच्छा खरीदें, बहुत बढ़िया बात है। आपका यदि बजट अलाउ नहीं करता है तो आप इंडियन माइंस का भी मानक ले सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था, यह मानक भी आपको बहुत अच्छा काम करेगा। हमारे यहाँ पर इस प्रतिष्ठान के पीएमके के जेम्स के ऊपर हम बहुत अच्छा अपने हाथों से छाट कर विद लेबोरेटरी की रिपोर्ट के साथ में हम यह मानक प्रदान करते हैं। जैसे आप छोटे बच्चे को भेजे, बड़े को भेजे, बुड्ढे को भेजे, एक हमारे उचित रेट के ऊपर, बहुत कम मार्जिन के ऊपर हम काम करते हैं। आप आइए, हमारे यहाँ पर निर्दोष रत्न मिलते हैं और निर्दोष रत्न के साथ साथ में आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के पश्चात हम आपको बताते हैं कि आपको कौन सा मानक धारण करना चाहिए, इससे क्या लाभ होगा और क्या खराबी होगी, या क्या इसका दूषित प्रभाव पड़ेगा, कौन सा मानक दूषित होता है, ये कोई दुकानदार नहीं बताएगा, हम यहाँ पर बता देंगे। यदि आपने कोई पसंद किया है और हमको पता रहेगा कि इंक्लूजन है या नहीं है, हालांकि हम अब जहां तक होता है शुद्ध मानक बेचने का ही प्रयास करते हैं। आप हमारे जयपुर के अंदर पीएमके के जेम्स जौहरी बाजार में आप आके देखिए, हम यहाँ पर सरकारी लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट साथ में प्रदान करते हैं। मान लो कितने ही लोग हैं जैसे विदेश में रहते हैं या दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, जो आ नहीं सकते हैं, घर की कोई ऐसी कंडीशन होती है, कोई बच्चों के लिए, बच्चों को सोच के नहीं आ सकते हैं, और कोई मान लो बड़े बुजुर्ग घर में है नहीं आ सकते हैं, या कोई बिजनेस के अंदर इतने ज्यादा बिजी है नहीं आ सकते हैं, तो आप हमारे से ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेकर अपनी कुंडली दिखाकर आप ऑनलाइन हमसे यहां से आप ये मानक रूबी रत्न मंगा सकते हैं। आपको फुल फैसिलिटी है हमारे यहाँ प्रतिष्ठान पीएमके के जेम से, पूरे वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन सारा काम होता है, आप अपने कॉल करके ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, आप व्यक्तिगत आके संपर्क कर सकते हैं।